भाई ये बात कर लेते हैं बूंदी की। जी हाँ, संपूर्ण राजस्थान में अपने सकारात्मक परिणामों के चलते रोल मॉडल के रूप में उभर कर सामने आया बूंदी जिला आयुर्वेद चिकित्सालय का पंचक्रम चिकित्सा विभाग। जी हाँ, एक बार फिर मरीजों के लिए इसे शुरू किया जा रहा है, जिससे यहाँ आने वाले मरीज एक बार फिर आयुर्वेद पद्धति से अपना उपचार करवा सकेंगे। पंचकर्म चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद की सबसे कारगर चिकित्सा पद्धति में से एक है। जिला आयुर्वेद अस्पताल की पंचकर्म चिकित्सा से जिस तरह से जटिल और कष्ट साध्य रोगों में सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं, उसके कारण यह पद्धति आज एलोपैथिक, होम्योपैथिक, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा पद्धति बनकर उभरी है। आयुर्वेद चिकित्सा में पंचकर्म चिकित्सा पद्धति पुराने से पुराने कष्ट साध्य रोगों में त्वरित लाभ के लिए सबसे कारगर पद्धति सिद्ध हुई है। इन सब का श्रेय बूंदी जिले के पंचकर्म विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुशवाहा को जाता है, जिसके चलते बूंदी जिला आज पूरे राजस्थान में रोल मॉडल के रूप में उभर कर सामने आया है। और यही कारण है कि आज प्रदेश से ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से लोग यहां उपचार करवाने आते हैं। जिला आयुर्वेद चिकित्सालय बूंदी में जटिल जीर्ण और कष्ट साध्य व्याधियों के लिए विशेषज्ञ सुविधा युक्त पंचकर्मोति काफी कारगर सिद्ध हुई है। अभी सतर्कता के तौर पर 21 अप्रैल से हमने इसको बंद कर दिया था, क्योंकि यहाँ इम्यूनिटी क्लिनिक भी चला और कोविड संक्रमण की दूसरी लहर का सामना करने में हमने अपनी भूमिका ही निभाई। जो ही संक्रमण का दूसरी दौर कम हुआ और लोगों की मांग भी हुई और माननीय कलेक्टर साहब ने भी पिछले सप्ताह जब निरीक्षण किया ओटी का, तो उन्होंने निर्देश दिए कि लोगों को तुरंत राहत पहुंचे और सुचारू रूप से पंचकर्म ओटी चलाई जाए। हम पूरी कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए इसको चला रहे हैं। वैक्सीनेशन जिसने करवाया होगा फर्स्ट एलिजिबिलिटी वो रहेगी, वैक्सीनेशन किए हुए व्यक्ति को इसमें प्रवेश दिया जाएगा। शहर के बालचंद पाड़ा स्थित जिला आयुर्वेद अस्पताल में जिला आरोग्य समिति के तत्वाधान में पीपीपी मोड पर संचालित पंचकर्म ओटी राजस्थान की पहली और एकमात्र पंचकर्म चिकित्सा ओटी है, जहां विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्तमोक्षण, श्रोधारा, जानुधारा, कटिवस्ती, पीपीएस, एकांग सहित कई प्रधान और सहायक कर्म पद्धति से पंचकर्म किया जाता है, जिसके लिए अस्पताल में प्रशिक्षित चिकित्सक एवं सहायक हैं। गौरतलब है कि कोरोना काल के चलते पंचकर्म इकाई को बंद कर दिया गया था, जिसे एक बार फिर से नए क्लेवर, नई उमंग, नई ऊर्जा के साथ 1 जुलाई से फिर से शुरू किया जा रहा है। यहां एक दिन में 5 व्यक्तियों का ही पंचकर्म किया जाएगा, जिनमें 18 से 75 वर्ष तक की आयु के लोगों को शामिल किया गया है। जिला आयुर्वेद चिकित्सालय पंचकर्म इकाई में अब तक 5000 से ज्यादा लोग उस पद्धति में उपचार करवा चुके हैं। खास बात यह है कि इस बार पंचकर्म के लिए अगले 6 महीने तक का अपॉइंटमेंट फिक्स किया जा चुका है, जिनकी बीमारी की गंभीरता को देखते हुए उपचार किया जाएगा। न्यूज इंडिया के लिए बूंदी से कमलेश शर्मा की रिपोर्ट।